हे माय ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगेन। एंड दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक मॉइस्चराइजर का रिव्यू। एंड दिस इज़ फ्रॉम बायोटिक, एंड ये है बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, एंड दिस विल रिड्यूस द यू नो फाइन लाइन्स, एंड you will get lighter and lineless or blanched skin. And as you guys already know that ki biotic ek you know 100% ayurvedic recipe hoti hai, and inke botanical extracts hote hain 100%. So this is the outer packaging guys, and aap dekh sakte hain, and this retails for 199 rupees. और ये mostly आपको बहुत ही अच्छे discount पे मिल जाएगा, like 25 to 35% ऑफ़र मिल जाता है। और आप इसे नायका या फिर पर्पल से भी परचेज़ कर सकते हो। इसे आई थिंक मैंने पर्पल से परचेज़ किया था, तो आप देख सकते हैं कि आप कहीं से भी ले सकते हो। इस प्रोडक्ट का जो परचेज़ लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो दिस इज़ द इनर पैकेजिंग गाइज, एंड वेरी क्लासिक एंड रेगुलर पैकेजिंग, नॉट वेरी फैंसी। एंड इसके प्रोडक्ट, बायोटिक के प्रोडक्ट आई थिंक मुझे 5 to 6 ईयर्स हो चुका होगा मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड मुझे इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। सो दैट्स वाई ऑलमोस्ट मैंने सारी ही चीज़ें बायोटिक की यूज़ कर ली हैं। इसको मैं काफ़ी सालों से यूज़ किया है, लाइक मैंने 5 ईयर्स हो चुका होगा मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। बट राइट नाउ मैं अब इसका रिव्यू कर पा रही हूँ, आई डोंट नो वाई मैंने इतना लेट क्यों कर दिया। एंड या सो ये यू नो एक ऐसा मॉइस्चराइजर है दोस्तों, यू नो आपकी स्किन को एक नॉर्मल टू ड्राई स्किन पर बोल दे कैन यूज़ इट। और विंटर के टाइम पे ये काफ़ी अच्छे से सभी स्किन टाइप के लिए वैसे ही है, और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्लोइंग लुकिंग देता है। अभी देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह क्या है। ऑलमोस्ट ऐसी भी नहीं है, थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, मीडियम काइंड की कंसिस्टेंसी है। और ये आप देख सकते हैं क्रीमिश टेक्सचर है इसका, क्रीमिश कलर है सॉरी इसका, और बहुत ही इजीली ब्लेंड आउट हो जाती है। स्मेल इज़ टोटली सेम जो भी इनकी मॉर्निंग नेक्टर जो रेंज है, स्मेल इज़ टोटली सेम जो कि बाकी इनके प्रोडक्ट्स हैं लाइक स्क्रब, फेस वॉश वगैरह। अब तो काफ़ी अच्छा सा मॉर्निंग नेक्टर का रेंज निकाला है बायोटिक वालों ने, बट पैकेजिंग इज़ टोटली सेम। बट एनी वेज प्रोडक्ट इज़ गुड और काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप यू नो कुछ अच्छा सा मॉइस्चराइजर सर्च आउट कर रहे हो एक अफोर्डेबल साइट में, और ये काफ़ी अच्छे आपकी स्किन को रखे, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। एंड आप देख सकते हैं दिस इज़ यू नो काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट किया है इससे मेरी स्किन को, और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, लगाते ही एकदम क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पर, और होल डे टिका रहता है। वो तो मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करती हूँ, अदरवाइज ये एज इट इज़ ऑल डे लॉन्ग मेरी स्किन पे रहता है। एंड मेरी स्किन वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लाइक अभी ठंडियाँ चल रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, तो आई जस्ट नीड दिस वन, एंड ऑलमोस्ट मैंने इसे इतना फिनिश आउट कर दिया है। एंड डेफिनेटली आई एम गोना परचेज सेकेंड बॉटल, सेकेंड नहीं जो भी नेक्स्ट बॉटल होगी। और आई रियली लाइक, अगर आपको ये अच्छा सा मॉइस्चराइजर, एंड हाँ दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि बायोटिक के आपको ये अच्छा सा मॉइस्चराइजर बताओ जो कि अफोर्डेबल भी हो और अच्छा रिजल्ट आपको देता हो और सभी स्किन टाइप को सूट करता हो। तो आई थिंक मुझे इससे बेटर कोई भी नहीं दिखा। मैं लिखा हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ। आयुर्वेदा स्किन लाइफ सोर्स विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर इज अ रिफ्रेशिंग लोशन that hydrates and nourishes the skin, reduces and prevents the appearance of fine lines, wrinkles, जो भी आपके fine lines और wrinkles हो जाते हैं उनको reduce करती है। एंड दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इसे मेकअप स्टार्ट करने के पहले भी अप्लाई कर सकते हो। आई मीन आप कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर डेफिनेटली अप्लाई किया करिए, तो आप इसको डेफिनेटली आप अपने मेकअप के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी इसके यू नो मेकअप को काफ़ी फ्लॉलेस फिनिश में यू नो कन्वर्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। एंड दोस्तों जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे फाउंडेशन में यू नो केकीनेस आ गई है, पैचनेस आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप अपनी स्किन की यू नो केयर नहीं करते हैं। तो यानी कि आप कोई भी फाउंडेशन या फिर कुछ भी अप्लाई करने से पहले आप अपने
कोई भी अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर जो काफ़ी अच्छे से डीपली पेनिट्रेट करता हो आपके स्किन में, वो डेफिनेटली आप ट्राई किया करिए। देन आप फर्दर कोई भी सीसी बीबी या फिर फाउंडेशन आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर वो अच्छे से यू नो खिल के दिखेगा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और काफ़ी एक फ्रेश एंड नेचुरल लुकिंग आपको उसका यू नो रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। दोस्तों यूज़ कैसे करना है, वेरी सिंपल। आप कोई सा भी फेस वॉश है अपना फेस को क्लीन आउट कर लीजिए, और अगर आप बायोटिक का कोई अच्छा सा फेस वॉश सर्च आउट कर रहे हो तो मैंने उसका रिव्यू किया है, बायो हनी रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस वॉश का। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में। और बायोटिक के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू किया है, प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो या फिर वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाके यू नो चेकआउट कर सकते हो। जितने भी मुझे बायोटिक के प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेके आने वाली हूँ, और इनकी रेंज काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों। अफोर्डेबल साइड में आपको यू नो बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है, तो आई थिंक बायोटिक एक ऐसा ब्रांड है जो आपकी स्किन केयर भी हो जाती है और आपका बजट भी यू नो अफोर्डेबल में रहता है, तो विच इज़ द बेस्ट पार्ट। दैट्स वाई आई रियली लाइक, एंड इनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। फेस वॉश है इसको, यू नो अपना फेस को वॉश कर लीजिए एंड देन आप टोनर अप्लाई करिए एंड देन आप इसे अप्लाई कर लीजिए एंड यू आर शॉर्टेड। एंड अगर आप चाहो मॉर्निंग के टाइम पे निकलो तो आप कोई भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक वगैरह यूज़ कर सकते हो, इससे न्यूट्रीजिना का काफ़ी अच्छा है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों क्या पड़ा हुआ है, बायो मॉर्निंग नेक्टर कंटेन्स गेहूँ सीड्स, कुमारी लीव्स पल्प है एंड मधु है इसमें, बादाम सीड ऑयल है, मूंगफली सीड ऑयल है एंड कुसुम्भी सीड ऑयल है, प्योरीफाइड वाटर है। तो आई मीन इनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी काफ़ी अच्छी है, कोई भी इनमें यू नो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं पड़े हुए हैं। आप सब जानते हो कि ये थेरेप्यूटिक यू नो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं और एम्पावर्ड एंड परफेक्ट बाय 21st century स्विस बायोटेक्नोलॉजी है इनकी, बेस्ड ऑन 5000 ईयर ओल्ड आयुर्वेदिक रेसिपी विद द टाइम टेस्टेड, और विजिबली डिफरेंस है इनके। तो दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इट हैज़ अ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ स्लोगन है और ये हर प्रोडक्ट के साथ में यू नो लिखा रहता है। सो या गाइज, आई थिंक मैंने इसके सारे पॉइंट्स क्लियर आउट कर दिए हैं। आप इसे CTM क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर के तरीके से इसको यूज़ करिए एंड यू आर शॉर्टेड। आपको किसी और मॉइस्चराइजर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली नहीं है थ्रू आउट द विंटर टाइम, और गर्मियों में थोड़ी सी ऑयलीनेस इसको लगती है यूज़ करने के लिए क्योंकि थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, गर्मी के टाइम पर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो दिस इज़ द पॉइंट जो मैंने क्लियर कर दिया है, और ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई थिंक मैंने सारे ही पॉइंट्स क्लियर आउट कर दिए हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज वगैरह चल रही हैं या फिर आप किसी और वीडियो का रिव्यू देखना चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड लव यू ऑल, बाय।